अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के हमारी सेकंड क्लास है मॉडल पेपर के लिहाज से, जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने 2024 के लिए क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। और इससे पहले मैंने इस्लामियात का मॉडल पेपर बनाया हुआ है, अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम फिज़िक्स का पेपर वन यानी फर्स्ट ईयर के लिए मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। तो ये इस तरह का टोटल नंबर, इसके मैक्सिमम मार्क्स है 68 और टाइम जो हमें अलाउ है वो 2 घंटे 40 मिनट्स का है। और सेक्शन बी जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का है ये 36 मार्क्स का है। और इसमें हमें पहले आंसर एनी 9 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, इसमें से हमें कोई 9 सवाल करने हैं। ऑल क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क, ड्रा द डायग्राम वेयर नेसेसरी, और डायग्राम वहाँ बनानी है जहाँ पे हमें ज़रूरी है। और ये सवाल मैं ज़रा आप लोगों को पढ़ के सुना देता, ताकि न्यू बुक आई है तो हो सकता है कि इस मॉडल पेपर से भी आपके 30 से 40% क्वेश्चन लग सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन स्केप वेलोसिटी एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर स्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस। सेकेंड है, स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल लॉ। थर्ड है, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, शो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और चौथा जो है, हाउ एनर्जी इज स्टोर इन अ कैपेसिटर, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। पांचवा इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किर्चहॉफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। छठा जो है, प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट, जो 2 इक्वेशन है कि टाइम पीरियड की दी हुई है और एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। जो हमारे पास 7वां सवाल है, अ टर्टल स्टार्ट एट द ओरिजिन एंड मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ V0 = 10 cm/s इन द डायरेक्शन ऑफ 25 टू द हॉरिजॉन्टल। पहला पार्ट में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्टल 10 सेकंड लेटर। सेकंड पार्ट में हाउ फार डिड द टर्टल वॉक इन 10 सेकेंड। और जो 7वां इसमें जो शामिल है हमारे पास 8वां नंबर सवाल, अ गोल्फ क्लब एक्सर्ट an average force of 800 Newton on the golf ball for 0.02 seconds if the initial velocity of a ball is 40 m/s and its final velocity is 60 m/s. What is the impulse experienced by the ball? जो इसमें 9वां है, the International Space Station orbit at an altitude of 400 km above the surface of Earth. What is the space station orbital velocity? जो हमारे पास 10वां सवाल है, ये भी न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द विस्कस ट्रैक ऑन अ ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑफ 0.1 मिलीमीटर रेडियस फॉलिंग थ्रू एयर एट इंटरनल एट टर्मिनल वेलोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ एयर 1.8×10⁻⁵ पास्कल सेकेंड। डेंसिटी ऑफ ऑयल 850 kg/m³। जो इसका 11वां सवाल है, 3 रेजिस्टर 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज। What is the total resistance of the combination if the combination is connected to a battery of EMF 24 volt and negligible internal resistance? Obtain the potential drop across each resistor. हमारे पास 12वां सवाल है, a pendulum of length 75 cm and a mass 2.5 kg swings with a mechanical energy of 0.015 joule. What is its amplitude? और जो 13वां सवाल है, अ सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटीज विच आर 0.5 times and 0.2 times द स्पीड ऑफ साउंड रेस्पेक्टिवली। इफ द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज 2000 हर्ट्ज, कैलकुलेट द पोटेंशियल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू द लिसनर। और हमारे पास 14वां सवाल है, इन अ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ अ 16 ब्राइट रिंग was found to be 0.653 cm. If the radius of curvature of the lens is 10 cm, find the wavelength of light. अब जो हमारे पास सेक्शन सी है, डिटेल आंसर क्वेश्चन, ये 32 मार्क्स का है। और आंसर एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल्स में 2 सवाल करने हैं। तमाम सवालों के नंबर एक जैसे। ड्रा द डायग्राम वेयर नेसेसरी, डायग्राम बनानी है जहाँ पे ज़रूरी है। तो तीसरा सवाल ये ए बी पार्ट करके ही, ए बी करोगे तो एक सवाल बनेगा। डिफाइन पोजीशन वेक्टर, 2 वेक्टर्स A1 and A2 making an angle θ1 and θ2 with the horizontal. Describe addition of these 2 vector by rectangular component methods का। बी पार्ट है, derive Bernoulli's equation for steady incompressible non-viscous and irrational flow of liquid इरोटेशनल। और फॉर दूसरे का जो ए है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक dipole at the point which is at perpendicular distance y from the center of dipole. और इसका जो B part है, drive the stationary wave produced in a stretched string, drive the expression for frequency when string is vibrating in one loop, two loop, three loop and n loop चौथा. और जो पांचवा सवाल है उसका A part है, define simple harmonic motion a particle in its state of uniform circular motion, prove that its projection executes simple harmonic motion on one of the diameter of the circle. और जो इसका last है, describe Young double slit experiment and derive expression for position of dark and bright fingers, fringes, also derive expression for the fringes spacing. और अब इसके जो पहला पार्ट आता है सेक्शन ए एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 17 मार्क्स के है, और यहाँ पे आपके पास टोटल 17 एमसीक्यूज दिए हुए हैं और हर एमसीक्यूज आपके पास एक नंबर. तो ये था हमारे पास फिजिक्स का मॉडल पेपर. इस तरह के एक और अच्छे मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.